दिल्ली सुल्तानेट। अब दिल्ली सुल्तानेट में कैसा है? दिल्ली हैज़ बीन सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस एशियन टाइम। दिल्ली जो था सेंटर बना दिया गया था इंडियन पॉलिटिक्स साइंस का एशियन टाइम से। दिल्ली वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर। दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द ट्रेडिशनल एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द दिल्ली जो कॉमर्स और ट्रेडिशनल के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर बना गया था। कौन से राजा के टाइम पे? तोमर और चौहान राजपूत के टाइम पे 12 सेंचुरी में। द दिल्ली सुल्तानेट वॉज एस्टेब्लिश इन अर्ली ऑफ 13 सेंचुरी। दिल्ली जो सुल्तानेट था उसको और अच्छा बनाया गया था 13 सेंचुरी में। द रूलर हु वर ओवर एंड द वास्ट एरिया ऑफ द नॉर्थ इंडिया जो थे नॉर्थ इंडिया के जो बिटवीन 1206 एडी से 1226 एडी तक आर नोन एज सुल्तान। अब द रीजन इज नोन एज दिल्ली सुल्तानेट। उसके रीजन को बोला जाता था दिल्ली सुल्तानेट। द रूल वेर ओरिजिनली बाई तुर्किस और अफगान ऑरिजिन। अब ये जो ओरिजिनल रूल था उनका वो था तुर्किस और अफगान के ऑरिजिन की तरफ जैसा था। ड्यूरिंग द 325 ईयर 325 साल टोटल 5 डायनेस्टी केम टू द पावर। 5 राज्य ये दिल्ली सुल्तानेट के अंदर आया। इंक्लूड द सेल्फ डायनेस्टी खलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी एंड द लॉर्ड डायनेस्टी। ये 5 आए थे अलॉन्ग विद द दिल्ली सुल्तानेट। अब दिल्ली सुल्तानेट के साथ वी ऑल्सो स्टडी हम और पढ़ेंगे अबाउट द विजयनगर एंड द ब्राह्मणी एम्प्लॉयमेंट इन दिस लेसन। अब ब्राह्मणी एम्प्लॉयमेंट का भाई इस चैप्टर में से। अब रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। अब रूलर क्या दिल्ली सुल्तानेट? स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी है 1206 एडी से 1290 एडी तक इन 1192 एडी 1192 एडी इन द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राय। जो सेकेंड बैटल था ट्राय का सिराबुद्दीन गौरी वॉज वन ए डिस्क्राइब विक्ट्री। जो सिराबुद्दीन गौरी थे वो तो डिस्क्राइब विक्ट्री और पृथ्वीराज चौहान था एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली। उन्होंने फाउंडेशन डाला था दिल्ली सुल्तानेट का 1206 ईडी में। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के मरने के बाद ही स्लेव क्यूअुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। अब जो उसके बाद दिल्ली सुल्तानेट के राजा ये बन गए थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द 5 ईयर 5 साल के राज्य में ही ट्राई टू रिटेन द सुल्तानेट पावर। उन्होंने कोशिश किया सुल्तानेट पावर वापस लाने का। ही फेल द हॉर्स बैक। उन्होंने घोड़े को वापस किया वाइल प्लेइंग द पोलो डाइड इन 1210 एडी। जब वो पोलो खेलते खेलते मर गए थे 1210 एडी में। अब आफ्टर द डेथ द स्लेव आर ऑल्सो वेल सन इन लॉ। तो स्लेव के जो सन इन लॉ थे इतामुस केम द पावर में आए थे। ही एस्टेब्लिश छलंगणी चारगन। जो छलंगणी चारगन उन्होंने बनाया था। एग्जाम्पल फोर्स ऑफ ट्वेंटी तुर्किश नोबल टू मेक द सुल्तान सुप्रीम। तो बनाने के लिए सुल्तान सुप्रीम को ही शिफ्टेड। उन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल राजधानी को लाहौर टू दिल्ली को। इल्तामुस इज कंसीडर्ड जो कंसीडर किया जाता था टू बी एंड द ट्रू फाउंडर। सही फाउंडर थे वो स्लेव डायनेस्टी के। इल्तामुस डिड नॉट फाइंड। इन्होंने ढूंढ नहीं पाए थे एनी ऑफ द सन। कोई लड़का ढूंढ नहीं पाया था डिजर्विंग जो हक था पोजीशन था सुल्तान बनने का। सो इट डिक्लेयर द कैपेबल डॉटर। इसके लिए वो जो उसकी लड़की थी उसको राजा बना दिया था रानी बना दिया था। राजिया सुल्तान ऐसी ससेसर जो राजिया सुल्तान को ऐसी ससेसर बना दिया था ससेसर बना दिया था। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश। अब जल्दी उसके मरने के बाद हिज डॉटर राजिया एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। राजिया को जो राजा ने बनाया था रानी उसको वो दिल्ली को संभालने लग गई। सी वॉज द फर्स्ट वुमन रूल टू एस्केन। वो पहली औरत थी जो एस्केन द थ्रोन ऑफ दिल्ली को संभाल रही थी। मिनाज ई सिराज ए हिस्ट्रिकन ऑफ द टाइम ऑल्सो एडमिटेड। जो उन्होंने भी माना था द राजिया वॉज मोर कैपेबल। जो राजिया रानी थी वो बहुत अच्छी कैपेबल थी बिकम सुल्तान बनने के लिए कॉम्पेयर टू द ब्रदर भाइयों से। अब येट इट इज़ ए डिफिकल्टी टू गेन। अब ये बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज टू द वुमन रूलर औरतों के रूल के। एवन द कंट्रीज जो कंट्रीज थे वे नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। दूसरे के राज्य जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हर इंडिपेंडेंट रूल उसकी आज़ादी से रूल करने का। हर रूल केम टू द एंड उसका जो रूल एंड में आया था बिकॉज ऑफ ग्रीड फॉर पावर। जो ग्रीड हुआ था पावर को ऑफ द नोबल एंड द ऑन गोइंग रिबलियन जो चल रहा था रिबलियन का। द स्टेट वॉज टर्मिल फॉर 6 ईयर। जो स्टेट था वो टर्मिल कर दिया गया था 6 साल के लिए उनके मरने के बाद। द नोबल एंथ्रोड वॉज ए इल्तुतमिश। जो नोबल थे एंथ्रोड किया था इल्तुतमिश को। निसरुद्दीन
ऑन द थर्ड निसरुद्दीन ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली, निसरुद्दीन बने थे राजा गद्दी में बैठे थे, द नोबल एंथ्रोन द नोबल एंथ्रोन इतमुसन को आफ्टर द डेथ ऑफ द गियासुद्दीन बलबन केम टू द थ्रोन। अब ये राजा बनने के बाद ये राजा गद्दी पे बैठे, ही डिस्ट्रॉय उन्होंने बर्बाद कर दिया था छलांगनी फोर्स, छलांगनी फोर्स को एंड ओवरथ्रू किया था द ग्रीप ऑफ द नोबल, जो ग्रीप था नोबल का फ्रॉम द रिजिम में से, फ्रॉम द रिजिम में से ही स्ट्रेंथन द किंग पोजिशन, उन्होंने स्ट्रेंथन किया था जो किंग का पोजिशन होता है। बलवान वॉज ए पैट्रॉन ऑफ लिटरेचरी एंड आर्ट, जो बलवान था वो पैट्रॉन था लिटरेचरी और आर्ट का। आफ्टर द रीजन ऑफ 22 ईयर्स, अब 22 साल तक, विद इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ खाजी का शॉर्ट टाइम डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश इन सुल्तान सुल्तान, जो बना था दिल्ली सुल्तानेट में। अब खाजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, 1290 से 1320 तक द रूल ऑफ खाजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूल ऑफ जलाउद्दीन, जलाउद्दीन का रूल चल रहा था। आफ्टर 6 ईयर रूल्स, आफ्टर 6 साल के रूल के बाद जलाउद्दीन एम्बिशियस सुल्तान अलाउद्दीन केम टू द थ्रोन, उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन राजा की गद्दी संभाला दिल्ली की। अब एक्सपेंडेड द एम्पायर कॉन्सिग्रिंग, उन्होंने जो है उनका जो राज्य था वो बढ़ाया, युद्ध करके हरा के बढ़ाया, गुजरात नॉर्थ इंडिया गुजरात से साउथ इंडिया तक बढ़ाया था। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कीपिंग, उन्होंने एक नया नियम चालू किया था रखने के लिए परमानेंट आर्मी इन दिल्ली, उन्होंने एक नियम चालू किया था परमानेंट आर्मी दिल्ली में रहेंगे ही रहेंगे। अब ही इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ मार्क, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक सिस्टम था मार्क का, अब दाग जो दाग होता है फेस के ऊपर चेहरे के ऊपर फॉर डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी आर्मी हॉर्स और सोल्जर, तो उससे पता चलता था ये कौन सा घोड़ा कौन से युद्ध का है और कौन से राज्य का है और ये सैनिक कौन से राज्य का युद्ध के लिए कर रहा है। अब ही ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, उन्होंने नए नियम अच्छे नियम बनाए थे, अब लाइक प्राइस रेगुलेशन, जो प्राइस रेगुलेशन के ऊपर बनाया था कि प्राइस नक्की होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए सब जगह जो लोगों को पोसा है। अब मार्केट कंट्रोल, उन्होंने अपना पूरा मार्केट कंट्रोल किया था एंड होल्डिंग रेगुलेशन, और जो होल्डिंग था उसका रेगुलेशन बनाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद द स्टेट वॉज तुरमोल, जो स्टेट हो गया था तुरमोल हो गया था। गियासुद्दीन, जो गियासुद्दीन थे तुगलक के, वॉज द वन हु एंडेड, जो उन्होंने ख़त्म कर दिया था खिलजी डायनेस्टी एंड स्टार्टेड द तुगलक रूल फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब ये तुगलक जो नियम था वो दिल्ली के गद्दी से संभाल रहे थे। अब तुगलक डायनेस्टी कब बना था, तुगलक डायनेस्टी बना था 1320 एडी से 1414 एडी तक। अब ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी, अब तुगलक डायनेस्टी के टाइम मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान, ये एक ऐसे सुल्तान थे जो बहुत लोग मानते थे, बहुत राजा लोग मानते थे, तो बहुत टैलेंटेड थे। अब ही इम्प्लीमेंट, उन्होंने कुछ नए नियम इम्प्लीमेंट किए, कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट किए ड्यूरिंग द रूल उनके नियम, इंक्लूडिंग रिकॉल्यूशन, रिकॉल्यूशन वॉज अ कैपिटल फॉर्म, जो रिकॉल्यूशन था कैपिटल था फ्रॉम दिल्ली टू दौलतबाद, दिल्ली से दौलतबाद तक। अब सिम्बॉलिक किया था करेंसी, जो सिम्बॉलिक करेंसी था एक्सपेरिमेंट किया था, सिम्बॉलिक करेंसी का एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे बहुत सारे किए थे। मोस्ट ऑफ द स्कीम, ज़्यादातर स्कीम फेल हो गए थे ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस, उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, अनुभव ही नहीं था, एज वेल एज द लैक ऑफ प्लान, और कोई प्लान ही नहीं बनाया था, बिना प्लान का निकाल दिया था नियम, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया था। हैंस दिस स्कीम हैव टू गॉन, ये सब स्कीम जो है वो थ्रो कर दिया गया था हिस्ट्री में से, एंट्रेटिक स्कीम बोल के, एस सी एंट्रिक स्कीम बोल के। अब इफ भूटान एंड अफ्रीकन ट्रैवलर, जो आया था अफ्रीका से, विजिटेड इंडिया, इंडिया को घूमने आए थे द टाइम ऑफ, कौन से समय में, मोहम्मद तुगलक के समय। अब मोहम्मद तुगलक जो थे वह सक्सेस बाई इस पिटरनल कजिन, जो सक्सेस हुआ था किसके दम पे, पिटरनल कजिन के दम पे, फिरोज शाह के दम पे। अब तुगलक आफ्टर फाउंडेशन ऑफ पावर, जब उसके पावर हाथ में आया, वो एक सेकंड हुआ एंड तुगलक पावर बिकम लिमिटेड, जो तुगलक पावर हुआ ये लिमिट में समा गया। अब इसके बाद देखो सैयद डायनेस्टी कब आया था, 1451 AD तक एंड लॉर्ड डायनेस्टी 1451 AD से 1526 AD तक। आफ्टर द
आफ्टर द लैंड ऑफ द तुगलक ख़त्म होने का, तुगलक ख़त्म हो गया था, कजीर खान जो थे एस्टेब्लिश किए थे सैयद डायनेस्टी को, सैयद डायनेस्टी बनाया था आफ्टर सैयद डायनेस्टी बनने के बाद बहुल लोदी, जो बहुल लोदी थे लास्ट बनाया था लोदी डायनेस्टी, लोदी से नहीं बनाया था। बहुल वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर, जो बहुल थे वो पहला अफगान रूलर थे ऑफ द लोदी सुल्तानेट के। द लास्ट एम्पायर, जो लास्ट एम्पायर थे ऑफ द लोदी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोदी, वो थे राजा थे इब्राहिम लोदी। ही वॉज डिफीटेड बाई, वो हार गए थे किसे, बाबर से, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में कौन से समय में, 1526 में अब ईडी में। द सुल्तानेट ईरा केम टू द एंड, इसके लिए सुल्तानेट ईरा जो था नियम था केम टू एंड, ख़त्म हो गया था, एंड मुगल रूल स्टार्ट, उसके बाद जो मुगल का जो रूल था वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखो उसके बाद का पैराग्राफ क्या लिखा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, द दिल्ली सुल्तानेट जो जो दिल्ली का सुल्तानेट था विच वॉज एस्टेब्लिश इन द 13th सेंचुरी, जो 13th सेंचुरी में बना था, वॉज यूनिक इन द टर्म ऑफ स्टेट, वो बहुत यूनिक था टर्म ऑफ स्टेट गवर्नेंस के बोलने के कारण। अब द सुल्तानेट वॉज द सेंटर, जो सुल्तान वॉज द सेंटर थे ऑफ दिल्ली सुल्तानेट को किया था। द पावर ऑफ सुल्तान वॉज पैरामाउंट, जो पावर था सुल्तान का वो पैरामाउंट था। ही ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर, वो एक सुप्रीम कमांडर भी थे। द सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द सुप्रीम जज, सुप्रीम हेड के एग्जीक्यूटिव करते थे और सुप्रीम जज को भी। देयर वॉज ए कैबिनेट टू हेल्प द सुल्तान, एक कैबिनेट भी बनाई गई थी जो राजा को कोई भी तकलीफ हो तो उसमें। अब कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑफिशियल वर अपॉइंटेड, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे और ऑफिशियल वर अपॉइंटेड बाय द सुल्तान हिमसेल्फ, वो तो राजा खुद करते थे। अब द सुल्तान सिस्टम वॉज डिवाइडेड, जो सुल्तान का सिस्टम था डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शन, तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल प्रोविजनल एंड लोकल, ये तीनों में भाग कर दिया था। अब पहले पढ़ेंगे सेंट्रल के बारे में, सेंट्रल में क्या होता है, द कैबिनेट वॉज द चीफ आफ्टर सुल्तान, जो कैबिनेट था चीफ होता था सुल्तान के बाद में। द सुल्तान चीफ मिनिस्टर, जो सुल्तान के चीफ मिनिस्टर थे वॉज कॉल्ड, बोलते थे वजीर, वजीर बोला जाता था। हु वॉज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन के। बिसाइड दिस, इसके बाद द कैबिनेट कंस्टिट्यूट ऑफ आर्मी, कैबिनेट तो कंस्टिट्यूट आर्मी को, पोस्टल को, पोस्टल डिपार्टमेंट को, रिलीजियस डिपार्टमेंट को, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब डिपार्टमेंट को। थस मोर एंड मॉडरेट कैबिनेट, द अरेंजमेंट वॉज हैज सीन एट द टाइम, उसमें अच्छे से अरेंजमेंट कैसे किया था ये सब डिपार्टमेंटों में, और ये डिपार्टमेंट लोगों को किस तरह से मुनाफा देते थे वो सब दिखाया गया है। अ प्रोविंशियल रूल, अ प्रोविंशियल रूल क्या है, ड्यूरिंग द सुल्तान सुल्तानेट द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू जागीर, जागीर में डिवाइड कर दिया गया था। विच वर कॉल्ड, उसके बाद बोला जाता था इक्तास, इक्तास बोलते थे। द हेडक्वार्टर ऑफ इक्तास, जो हेडक्वार्टर थे इक्तास का वॉज कॉल्ड इक्तार और मुक्ति, इक्तार और मुक्ति बोलते थे हेडक्वार्टर को। हु वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो हेड थे एग्जीक्यूटिव का एंड द ज्यूडिशरी एंड द प्रोविंस में जो हेड थे। ही जॉब, उसकी नौकरी क्या थी, वॉज टू प्रोवाइड आर्मी, उसको काम था प्रोवाइड करना, आर्मी को प्रोवाइड करना सुल्तान को, वेन एवर जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े या टैक्स को उगराने के लिए। अब हाउ एवर इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी का राज चल रहा था एंड मोहम्मद तुगलक का राज चल रहा था, द सेंट्रल आर्मी वॉज गिवन इम्पोर्टेंस, सेंट्रल आर्मी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दिया गया था। एंड कंट्रोल ओवर इक्तार एंड वॉज एस्टेब्लिश, और कंट्रोल किया गया था इक्तार को और बहुत कुछ नया बनाया गया था। अब लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट, द यूनिट आफ्टर द प्रिंसेस, जो यूनिट था आफ्टर द प्रिंसेस प्रोविंस के बाद, डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था, तालुकास में डिवाइड किया था, कॉल्ड सिख, सिख एंड प्रगनास, प्रगन्स, प्रगनस रिस्पेक्टली इज्जत से बोला जाता था। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हीडेड बाई मुखी, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनके हेड था मुखी, या उसको बोलेंगे मुकद्दम थे। एंड द क्लर्क, जो क्लर्क थे, एंड द पटवारी हेल्पिंग, जो पटवारी उसकी मदद करते थे। आज का यहाँ तक, पेज नंबर 9 तक, बाकी का कल।